सो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसी ड्राइव को आप कैसे फैक्ट्री रीसेट या फिर इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें पैरामीटर डला हुआ है, आपको वापस से इसे फैक्ट्री रीसेट करना है या फिर डिफॉल्ट सेटिंग में लेके आना है, तो हम उसका आपको बताएंगे कैसे आप पैरामीटर डाल सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें कनेक्शन किए L1, L2, L3 में, जो आपका इनपुट रहेगा। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन किए UVW में, जो आपका आउटपुट रहेगा, जिससे हमारा मोटर में कनेक्शन दिया हुआ है। ये हमारी मोटर है। अब सबसे पहले पैरामीटर डालने के लिए यहाँ पे एस्केप बटन दे रखा है, तो ये आपका जो मेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन में है। अब आप एस्केप दबाओगे तो ये आपका एक विंडो खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे A0 में हमें जाना है, तो A0 है, B0 है, B1 है, B2 है। अब हम A0 में जाएंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। A0 पे गए, अब हमें 04 में जाना है। 04 यहाँ पे आप देख सकते हो पैरम एंड इनी आई एन आई टी, यानी कि पैरामीटर इनिशियलाइज लिखा हुआ है। अब इसको हम एंटर करेंगे। अब इसमें नंबर हमें डालना है 5। आप देख सकते हो हमने 5 नोट किया हुआ है। अब हम इसमें 5 नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आया, रीसेट टू डिफॉल्ट, यानी आपका डिफॉल्ट सेटिंग में हो जाएगा। अब एंटर करेंगे, सक्सेस आया। अब हम लोग का पैरामीटर इसमें डल चुका है, ये रीसेट हो गया, इनिशियलाइज हो चुका है। अब वापस से हमें होम स्क्रीन में जाने के लिए इसको 2 बार क्लिक करना होगा, एस्केप को, एक बार फिर एक बार। ये हम लोग अपनी होम स्क्रीन में आ गए और ये इनिशियलाइज हो चुका है। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। देख सकते हो मोटर घूमना स्टार्ट कर दिए, ये अपने डिफॉल्ट सेटिंग में पहुंच चुका है। स्टॉप किया तो स्टॉप हो गया ये। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ऑलरेडी 50 दे रखी है, तो ये 50 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप स्टार्ट करते हो ना, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइट जल रही है, इंडिकेटर आपको दे रखा है। तो जब ये फॉरवर्ड जा रही है या फिर ये स्मूथली रन कर रही है, तो ये ऐसे ब्लिंक मतलब दिखेगी, और जब इसे स्टॉप करते हो तो ये यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। देखिए आप, इसका स्पीड कम हो रहा है और ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अभी अगर हमें इसे 50 से रन नहीं करना, हमें 0 से रन करना है, तो उसके लिए हम लोग इसमें पैरामीटर डालेंगे B0, 02 में 0। तो उसके लिए पैरामीटर को वापस से हम लोग एस्केप दबाएंगे होम स्क्रीन में आने के बाद। अब हमें जाना है B0 में, तो ये A0 है, नीचे B0 दे रखा है। अब B0 में जाएंगे, अब इसमें एंटर किया। अब हमें जाना है 02 में, तो 02 में क्या लिखा हुआ है, मास्टर फ्रीक्वेंसी सेट। अब इसमें हम लोग करेंगे एंटर। अब उसके बाद यहाँ पे 50 दे रखा है, तो हम साइड में आएंगे और 5 को 0 कर देंगे। तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, एंटर, सक्सेस। ये हम लोग का पैरामीटर सक्सेसफुली डल चुका है। अब हम इसको वापस से 2 बार दबा के पीछे चले आएंगे, एस्केप दबा के। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब मैंने फॉरवर्ड रन किया, बट ये रन नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि इसमें हम लोग को 0 से स्टार्ट है। अब हम इसे प्लस दबाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे, तो ये उस हिसाब से चलेगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो ये कम होती रहेगी धीरे धीरे। देखिए इसमें कम हो रही है, और वापस से हम लोग इसको बढ़ा कर देखते हैं। और इसे स्टॉप करना है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये ब्लिंक कर करके स्टॉप हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। बाकी आप लोग का कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो, हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और हमारे अगर आपके पास कोई ड्राइव है जो खराब है या फिर अगर आपको रिपेयर करवाना है, तो हमारे पास सर्विस सेंटर भी है। अगर आपको नई ड्राइव परचेस करनी है तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, हमारे पास डीलरशिप भी है। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इसमें आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज जरूर पूछ लेना। थैंक यू।